रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नाक्षी, कांग्रेस और बीजेपी की जो बस पॉलिटिक्स थी पिछले कई दिनों से चल रही है और अब तक खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि मजदूरों के बाद सियासत की सुई अब छात्रों पर जाटकी है। योगी सरकार ने 36 लाख के बिल पर गहलोत को घेर लिया है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप जड़ा था, तो बीजेपी ने कोटा से छात्रों को लाने का अकाउंट खोल दिया। हालांकि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि उसने 94 बसों का 36 लाख का किराया दे दिया है, लेकिन सियासत इस पर अब भी जारी है। बस वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी की बीजेपी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच विवाद का नया अध्याय खुल गया है। राजस्थान ने यूपी को 36,36,664 रुपए के बिल के भुगतान की याद दिलाई है। मामला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस भेजने में हुए खर्च का है। उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर आता है जो हमारे पास है, मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है और मैंने वो लेटर की कॉपी भी डाल दी है। जब बीजेपी के लोगों ने इस तरह की छोटी राजनीति की, तो वो जब लेटर आता है तो उसका 27 अप्रैल को एक लेटर और आता है कि आपने जो हमारे बच्चों को यहाँ भेजा था और जिन गाड़ियों में डीजल डलवाया था राज्य पथ परिवहन, कौन लिखता है? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, जिसमें बीच में सरकार कहीं नहीं आ रही, ना उत्तर प्रदेश ना राजस्थान से, दोनों तरफ के बोर्ड। आप हमें हमारे को बिल बनाकर भेज दीजिए, क्योंकि हम जो झांसी और आगरा बच्चे आए थे उनका बिल पेमेंट करना चाहते हैं। उसको देखिए, आप सुनिए, और हमने बिल भेज दिया, हमने भी उन्होंने पेमेंट भेज दिया। वैसे तो योगी सरकार ने सैकड़ों बसें कोटा भेजी थीं, लेकिन कुछ बसें कम पड़ गईं और सभी बसों में राजस्थान परिवहन निगम ने डीजल भी भरवाया था। अशोक गहलोत इसका सारा खर्च योगी सरकार से वसूलना चाहते हैं। सवाल सिर्फ पैसे का होता तो शायद ज्यादा तनातनी नहीं होती, लेकिन ये मसला सियासत का बन गया है। कांग्रेस कर रही है बात सेवा की, कर रही है पैसे वसूल रही है, इस ये तो नौटंकी हुई ना, इस नौटंकी से बचना चाहिए। सवाल ये है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरह की नौटंकी आखिर क्यों? आप पैसा ले रहे तो कहिए कि हम पैसा लेकर भेज रहे हैं, और अगर सेवा मन में इतनी थी तो आप विद्यार्थियों को सेवा से छोड़ सकते थे, आप बिना पैसे के छोड़ सकते थे। विद्यार्थी तो हिंदुस्तान के ही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे राजस्थान के हों। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा लगातार ट्वीट पर ट्वीट की बौछार कर रही हैं। एक ट्वीट में उन्होंने चेक की तस्वीर डाल दी और लिखा, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई, दया छोड़िए। आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया, वाह रे मदद। बीजेपी के हमले का कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। राजस्थान सरकार ने यूपी के परिवहन मंत्री की वो चिट्ठी भी मीडिया में जारी कर दी, जिसमें राजस्थान सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। राजस्थान के परिवहन मंत्री का कहना है कि बीजेपी झूठ फैला रही है, जबकि सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि हम पैसे देंगे, और उसके बाद दूसरी भी चिट्ठी लिखी थी कि आपका कितना बिल होता है, हम पैसा देना चाहते हैं, आप बिल भेजें। दरअसल सारा फसाद यूपी से बैरंग लौटी कांग्रेस की बसों को लेकर है और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है कोटा मामले को। जयपुर से शरद कुमार और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।